कहते हैं जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं। लौट कर याद आते हैं, याद आती हैं, वक्त नहीं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एमके शाहू क्लासेज में स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी महेश बर्नवाल की जो वन लाइनर चल रहा था उसका आखिरी लेक्चर है, और उस लेक्चर का नाम है मिसलिनियस। थोड़ा सा वीडियो हल्का बड़ा जरूर हो जाएगा, लेकिन ये मान करके चलिए कि इंडियन पॉलिटी कि इससे पहले 15 लेक्चर कंप्लीट हो गए, ये 16वां और लास्ट लेक्चर है। वन लाइनर कवर किया गया, हर वीडियो 12 से 15 मिनट का होगा। तो इन्हें अगर आप देख लेते हैं तो संपूर्ण जो है आपका इंडियन पॉलिटी कवर हो जाएगा। ये हर एग्जामों के लिए कम जो है कंप्लीट है, चाहे जो भी एग्जाम हो उन सब के लिए बराबर अहमियत रखता है। तो दोस्तों वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं, और पहला पॉइंट है नियामक निकाय देख लेते हैं, रेगुलेटरी जो बॉडीज है, नाम और स्थापना वर्ष। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण जिसे इरडा के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 1992 में हुई थी, कई बार सेबी पूछा गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना 2003 में हुई थी, और भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ट्राई जिसे कहते हैं, और इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड की स्थापना 2006 में। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की स्थापना 2003 में। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पेंशन वित्त नियामक एवं विकास प्राधिकरण 2003 में, और हाउस रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना 2016 में, और प्रसार भारती की स्थापना 1997 में की गई थी। तो ये जो थे बिना जो है नियामक निकाय कुछ जो थे उनको देख लिया गया। अब इसमें जो है प्रमुख संस्थाओं के सदस्य संख्या देख लेते हैं कि संविधान सभा में पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे। तो जब संविधान सभा का गठन किया गया था तो गठन के समय 389 सदस्य थे, जिसमें 292 प्रांतों से चुनकर आए थे और 93 देशी रियासतों से, तथा 4 जो थे वो कमिश्नरी क्षेत्रों से चुन करके आए थे। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान सभा में सीटों की संख्या घटकर 299 हो गई, क्योंकि 90 जो सीटें थी वो पाकिस्तान की संविधान सभा में चली गई। तो दोस्तों संविधान सभा का जब गठन हुआ उस समय 389 सदस्य संख्या थी। ये ध्यान रखिएगा कि कौन, जैसे 292 प्रांत से हैं, 93 देशी रियासत से, 4 कमिश्नरी क्षेत्र से चुने गए थे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लोकसभा, लोकसभा में जो अधिकतम संख्या की बात कर रहा है तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 550 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 530 जो है राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से, तो 30 और 20 50 550 टोटल हो गया। में अगर देखा जाए वर्तमान जो है 543 सीटें हैं, शेष जो 7 सीटें हैं वो पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर पीओके के लिए निर्धारित की गई हैं, इसलिए वर्तमान में 543 सीटें हैं। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 250 हो सकती है, वर्तमान में 238 राज्यों से हैं, 12 जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो हैं, तो कुल मिलाकर के 250 हो सकते हैं। लेकिन अगर वर्तमान स्थिति देखी जाए तो वर्तमान में 245 सदस्य जो है राज्यसभा के हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है विधानसभा, विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या, अधिकतम जो है अगर सदस्य संख्या की बात करें तो विधानसभा में मैक्सिमम 500 सदस्य हो सकते हैं, सर्वाधिक संख्या की बात करें तो सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, 294 जो है पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटें हैं, और 288 सीटें महाराष्ट्र में हैं, 243 सीटें बिहार में। क्रम अगर लगाने के आए कि सबसे ज्यादा से कम की तरफ, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार। पॉइंट आप व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें वाच जरूर कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि विधानसभा, विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या, तो विधानसभा में अगर अधिकतम तो हो गया, हम न्यूनतम की अगर बात करें तो न्यूनतम कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं किसी भी विधानसभा। इसके कुछ अपवाद भी, कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ 60 विधानसभा सीटें नहीं है। अगला है कि 60 से कम सदस्य संख्या वाले जो विधानसभाएं हैं वो कौन कौन है। तो पहले नंबर पर गोवा, गोवा में 40 सीटें हैं। दूसरे नंबर पर मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में भी 40 सीटें विधानसभा की हैं। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में 32 सीटें विधानसभा की हैं, और पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी में 33 सीटें विधानसभा। यानी ये 4 राज्य जो हैं ये जो है अपवाद स्वरूप है, बाकी कम से कम 60 सदस्य संख्या विधानसभा की हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि विधान परिषद की अगर बात करें तो अधिकतम सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या यानी राज्य विधानसभा के सदस्यों की 1/3 सीटें होती हैं।
विधान परिषद की जो संख्या होती है, जितनी विधानसभा सीटें हैं उसका 1/3 जो है विधानसभा सदस्य होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि विधान परिषद की अगर बात करें तो न्यूनतम सदस्य संख्या कहाँ है, तो 40 जो सदस्य हैं वो विधान परिषद वाले जो राज्य हैं, विधान परिषद वाले राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या की बात करें तो टोटल 34 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस होता है और 33 जो है न्यायाधीश होते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला जो राज्य है, तो लोकसभा के लिए सबसे अधिक जो सदस्य संख्या है उत्तर प्रदेश में 80 सीटें। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लोकसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या वाले जो राज्य हैं, एक एक सदस्य मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं सभी केंद्र शासित प्रदेश में, दिल्ली, दादर नगर हवेली तथा दमन व दीव को छोड़ करके, बाकी इतने जो सदस्य हैं जैसे नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, सिक्किम हो गया, इन किन और इन यहाँ पे जो है न्यूनतम सदस्य संख्या है लोकसभा के, यानी एक एक सीटें हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, राज्यसभा की सबसे अधिक संख्या है उत्तर प्रदेश में जो कि 31 सीटें हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि राज्यसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या वाले राज्य, न्यूनतम यानी एक पहला एक सदस्य वाले जो राज्य हैं न्यूनतम राज्यसभा सीटें, वो गोवा है, नागालैंड है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मेघालय है, सिक्किम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है और पुडुचेरी है। दोस्तों ये मिसलिनियस वीडियो है, थोड़ा सा बड़ा जरूर हो जाएगा लेकिन पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट कह रहा है कि 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या की बात करें तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, जिसमें मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाद में अलग अलग समय पर इसमें अन्य भाषाओं को शामिल किया गया। अगला पॉइंट है कि गणपूर्ति यानी जो कोरम होता है, कोरम के लिए आवश्यक सदस्य संख्या कितनी होती है, जो कि लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा या विधान परिषद, तो कोरम पूरा करने के लिए सदन की जो कुल संख्या होती है उसका 1/10 सदस्य अगर हैं तो वहाँ का जो है गणपूर्ति पूरा हो जाता है, कोरम पूरा हो जाता है। जैसे लोकसभा की टोटल संख्या का 1/10, राज्यसभा की टोटल संख्या का 1/10, विधानसभा की टोटल संख्या का 1/10, विधान परिषद की टोटल संख्या का 1/10 जो होता है वो गणपूर्ति या कोरम होता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि प्रमुख आयोग एवं समितियां, यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, इनको देख लेते हैं। प्रमुख आयोग एवं समितियां, पहला है सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी 1976 में और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जो कि 10 मूल कर्तव्यों का यानी द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को का समावेश किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में, पॉइंट ये ध्यान रखना है। और ये 42वां संविधान संशोधन जो हुआ वो किस समिति के सिफारिश पर किया गया, तो स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी 1976 के तहत। अगला पॉइंट है कि सरकारी आयोग, सरकारी आयोग का गठन 1983 में किया गया था। सरकारी आयोग का मेन कार्य क्या था, तो प्रमुख जो तत्व है वो ये है कि केंद्र और राज्यों के में संबंध स्थापित करने के लिए एक सरकारी आयोग का गठन किया गया था 1983 में। नेक्स्ट पॉइंट है धारा आयोग, धारा आयोग बना था 1947-48 के तहत और इसका जो कार्य था वो राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, इसलिए बनाई गई थी। नेक्स्ट जो समिति थी वो JVP समिति 1949 में बनाई गई थी, अर्थात जवाहर नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और प्रताप सीतारमैया, इन तीनों लोगों के आधार पर बनाई गई, इसलिए JVP समिति इसको नाम दिया गया और 1949 में बनी थी। इसका जो प्रमुख तत्व है वो ये है कि राज्य का पुनर्गठन देश की सुरक्षा, एकता, आर्थिक समृद्धि के आधार पर किया जाए। अगला पॉइंट कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो बनाया गया था 1956 में, वो सैयद फजल अली, हृदय नारायण कुंजरू और KM पड़ेकर की अध्यक्षता में बनाया गया था और इसका जो कार्य था वो राज्य के गठन के लिए भाषा को आधार बनाया गया, इसी के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, ध्यान रखिएगा बहुत बार पूछा गया है, और जिसमें 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं, 7 जो है राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इसका जो मुख्य कार्य की बात करें तो भारत के लोक लेखा तथा CAG के प्रतिवेदन रिपोर्ट का निरीक्षण करना के लिए लोक लेखा समिति बनाएगी। अगला है प्राकलन समिति, प्राकलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं जो कि टोटल लोकसभा से ही होते हैं, और इनका जो कार्य होता है प्रशासनिक दक्षता व मितव्यता बढ़ाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव तथा संसद में प्राकलन के लिए सुझाव देना। अगला आता है संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई थी, इसका जो कार्य है वो लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य, यह एक तदर्थ समिति थी। अगला पॉइंट है कोठारी आयोग बनाया गया था 1976 में, DS कोठारी के नाम से भी जानते हैं इसको।
और इसका जो काम था वो भारतीय उच्च सिविल सर्विसेज में परीक्षा तथा भर्ती भर्ती संबंधी नीतियों नीतियों एवं विधि का निर्माण करना। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है नीति आयोग, नियोगी आयोग बनाया गया 1946 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में, और इसका जो कार्य था वो आर्थिक नियोजन के लिए मंत्रिपरिषद के पद उत्तरदायी संगठन की अनुशंसा करना। अगला पॉइंट है बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी 1956-57 में, इसका जो कार्य था वो त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन की संस्तुति दी गई थी। बीएम तारकुंड समिति बनाई गई थी 1974 में, इसका जो कार्य था चुनाव सुधार, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना, चुनाव प्रचार से सरकारी धन एवं तंत्र का उपयोग न करना आदि अनुशंसाएं की गई थी बीएम तारकुंड समिति 1974 में। अगला आता है पुंछी आयोग, ये 2007 में बनाया गया था, मदन मोहन पुंछी इसके अध्यक्ष थे और केंद्र राज्य संबंध के विषय में अनुशंसाएं की गई थी। अगला पॉइंट है कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया था 2005 में और इसके अध्यक्ष थे वीरप्पा मोइली। वीरप्पा मोइली ने 2009 में अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया तथा उसके बाद बी रामचंद्रन इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इसे आप जरूर देखिए अपकमिंग एग्जामों के लिए जो भी एग्जाम आने वाले हैं। अगला है संस्था आयोग और संघ और मुख्यालय और गठन। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण। राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण की स्थापना नई दिल्ली में की गई थी 2010 में। राष्ट्रीय न्याय अकादमी की स्थापना भोपाल में की गई थी 1993 में। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा की स्थापना नई दिल्ली में 1995 में की गई। केंद्रीय सैन्य न्याय प्राधिकरण की स्थापना नई दिल्ली में की गई थी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना नई दिल्ली में, इसका मुख्यालय है, 2004 पुनर्गठन किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना नई दिल्ली यानी इसका हेडक्वार्टर है और 2004 में इसका पुनर्गठन किया गया। नीति आयोग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में 2015 में इसको स्थापित किया गया। वित्त आयोग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली 1951 में स्थापित किया गया। मानवाधिकार आयोग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली 1993 में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में 1992 में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में, और 2007 में स्थापित किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में 1992 में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली 2007 में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में 1993 में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली 1993 में स्थापित किया गया। केंद्रीय सूचना आयोग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में 2005 में स्थापित किया गया। परिसीमन आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है और 4 बार इसको गठित किया गया। विधि आयोग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अंतर्राज्यीय परिषद का हेडक्वार्टर नई दिल्ली 1990 में स्थापित किया गया। निर्वाचन आयोग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली 1950 में स्थापित किया गया। थोड़ा सा वीडियो बड़ा जरूर हो जाएगा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें देख लेना है। फिर कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, गुलजारी राम नंदा। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरा लाल जी कानिया। प्रथम स्पीकर लोकसभा के, प्रथम स्पीकर कौन थे, तो जी बी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर थे। और 10 पॉइंट है कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सिंह थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लेता है क्वेश्चन यहाँ से, इसलिए मिसलिनियस में इसको रखा गया है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कार्यवाहक कौन थे, तो बी एस रामा देवी थी। अगला पॉइंट है कि प्रथम महिला लोकसभा सचिव कौन थे, तो स्नेह लता श्रीवास्तव थी। 30 नवंबर 2017 को इनको चुना गया था। अगला पॉइंट है कि प्रथम कमांडर इन चीफ 1 जनवरी 1948 से 14 जनवरी 1949 तक अपने पद पर रहे और ये थे जनरल शर राय बूचर। प्रथम नेता विपक्ष के कौन थे, तो राम सुभग सिंह थे। प्रथम महिला आईएएस अधिकारी कौन थे, अन्ना जार। प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। प्रथम महिला वकील अधिवक्ता कार्नेलिया और सोराबजी। अगला पॉइंट है कि प्रथम महिला जिला जज कौन थी, अन्ना चौंडी थी। प्रथम महिला उच्च न्यायालय जज कौन थी, अन्ना चांडी ही थी। और सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो ये थी फातिमा बीबी। कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किस राज्य में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार यानी केरल जो है, किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, तो केरल में। कब बनी, 1956 में बनी। अगला पॉइंट है कि 8वीं अनुसूची में उल्लेखित जो पहली भाषा है वो कौन सी, असमिया है।
अगला पॉइंट है कि मानता प्राप्त विरोधी दल के जो नेता थे वो कौन थे? वाईवी चौहान थे, एक कांग्रेसी नेता थे। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जो कि 24 जनवरी 1966 को इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, 25 जुलाई 2007 को इन्होंने अपना पद ग्रहण किया। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रथम भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन थे? तो फील्ड मार्शल के एम करियप्पा थे। प्रथम भारतीय वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे। और प्रथम भारतीय नौसेना अध्यक्ष कौन थे? एडमिरल रामदास कटारी थे। प्रथम महिला मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृता कौर थी, जो कि स्वास्थ्य मंत्री बनाई गई थी। अगला पॉइंट कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो श्री षणमुखम शेट्टी थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है वित्त मंत्री। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से चुनी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी थी, जो कि उत्तर प्रदेश से 1963 में बनाई गई थी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए थे? के सी नियोगी बनाए गए थे। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो अनंत सैनम आयंकर। और अगला पॉइंट है कि संविधान परिवर्तन के बाद बना प्रथम राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था। भारत का प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया? 1951 में किया गया। पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। अगला पॉइंट है कि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी। अगला पॉइंट कह रहा कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वजाहत हबीबुल्लाह थे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का अध्यक्ष वही होता है जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि नीति आयोग का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हुआ, इसलिए उसके जो अध्यक्ष पहले अध्यक्ष बनाए गए वह नरेंद्र मोदी जी थे। अगला पॉइंट कह रहा कि राष्ट्रीय आयोग केंद्रीय निकाय एवं संबंधित मंत्रालय, तो इसको एक नज़र देख लेते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग ये कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वित्त आयोग ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। संघ लोक सेवा आयोग ये कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत। अंतर राज्य परिषद ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कर्मचारी चयन आयोग कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये जनजाति मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ये कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्षेत्रीय परिषद गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी जो CBI होता है वो कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय अनुसंधान एजेंसी गृह मंत्रालय के अंतर्गत। भाषाई अल्पसंख्यकों के जो आयुक्त होते हैं वो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत। और बाल अधिकारों के संरक्षण है जो राष्ट्रीय आयोग है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग ये सामाजिक न्याय एवं अधिकरण मंत्रालय के अंतर्गत। विकलांग व्यक्तियों के लिए केंद्रीय आयुक्त ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। केंद्रीय समाज एवं कल्याण बोर्ड महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। उत्तर पूर्व परिषद ये उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ये कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत। अल्पसंख्यकों का राष्ट्रीय आयोग अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। राष्ट्रीय महिला आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। वस्तु एवं सेवा कर जो GST है वो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। लोकपाल कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत। राष्ट्रीय अन्वेषण अभियान जो है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत। भारत की महान्यायवादी विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत। भारत का महान्याय न्यायाधिकर्ता जो है ये विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत। भारत का विधि आयोग जो है विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत। और भारत का निर्वाचन आयोग जो है विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत का परिसीमन आयोग जो परिसीमन आयोग है ये विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो थोड़ा सा वीडियो मिसलिनियस है, बड़ा जरूर हो गया, लेकिन इसमें जितने भी पॉइंट हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अब जो है UPP की स्पेशल जो है रीजनिंग एक चलेगी, वो तो खैर अलग चलेगी, और हमारा इंडियन पॉलिटी महेश बर्णवाल की ख़त्म हो गई है। अब हम ज्योग्राफी शुरू करेंगे, जो कि इंडियन महेश बर्णवाल का ही ज्योग्राफी शुरू की जाएगी, और संभवतः अगर समय मिला तो शाम को एक ज्योग्राफी की एक वीडियो जो है पड़ेगी। और जो UPP की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल UPP के लिए आज जो है रीजनिंग की पहली क्लास आएगी, और चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन कवर किए जाएंगे जो अब तक के जो है UPP या SI में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो अगली वीडियो के लिए जो है आप लोग जो UPP वाले हैं वो इसके इंडियन पॉलिटिक्स के साथ साथ उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो है रीजनिंग की। और इसका जो महेश बर्णवाल का है इसका एक ज्योग्राफी की सीरीज शुरू होगी, वन लाइनर
तो आप लोग देखना इसको ना भूलें और आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।